Okay, the question number 11. So the asset की cost है 1 lakh, 1 जनवरी को buy किया हमने, useful life 5 years है, और reducing balance method और rate दिया हुआ 40% का, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या, on 1 जनवरी 2003 it was decided to change the method to straight line, ठीक है, show the depreciation charge for each year। अच्छा, पहले reducing balance method है और फिर 2003 से मेथड चेंज हो रहा है अब, ठीक है, रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन पे जा रहे हैं। तो ईयर वन है पहले 2001, 2002 में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिशिएट करेंगे और फिर 2003 से स्ट्रेट लाइन मेथड यूज होगा, ठीक। तो 2001, 2002 का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये फॉर्मूला आ गया। तो इसमें कॉस्ट कितनी है, 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, जीरो, ईयर वन है जीरो और परसेंटेज है 40। अब लेकिन 1 लाख माइनस जीरो 40% इनटू, और ये ईयर वन का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 40,000, ठीक है। अच्छा, ईयर टू ईयर टू का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस्ट तो वही रहेगी 1 लाख, और अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना होगा, 40,000 इंटू 40%, ये थर्ड ईयर, सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 24,000। ईयर टू, ओके। अब ईयर थ्री में मेथड चेंज हो रहा है अब, ठीक है, मेथड चेंज होगा तो डेप्रिसिएशन आपका रिवाइज हो जाएगा। अब रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हैं। अब कैलकुलेशन क्या होगी, यहां पे देखें, यहां पर एसेट की कॉस्ट क्या थी, 1 लाख, ईयर वन का डेप्रिसिएशन था 40,000, ईयर टू का डेप्रिसिएशन 24। अब इसके नेट बुक वैल्यू क्या रह जाएगी, 36,000 ना, 36,000। तब हम 36,000 को फर्दर डेप्रिशिएट करेंगे, फॉर्मूला वही यूज होगा यहाँ पे, नेट बुक वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन रिमेनिंग लाइफ। तो नेट बुक वैल्यू तो हमने कैलकुलेट की 36,000, स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई, जीरो, और रिमेनिंग लाइफ कितनी होगी, हाँ, क्योंकि एस्टिमेटेड लाइफ 5 ईयर्स थी, तो 2 साल बाद अब रिमेनिंग लाइफ 3 ईयर्स। ये इसका थर्ड ईयर का रिवाइज्ड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 12,000। तो थर्ड ईयर से ऑनवर्ड्स फिर 12,000 पर ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें हमें इसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसमें गिवन क्या, इसने पॉलिसी क्या, मशीन चार्ज 20% पर ईयर ऑन कॉस्ट। अच्छा, ये रेट यहाँ दिया 20% पर ईयर ऑन कॉस्ट, यानी कि आप डायरेक्ट इस कॉस्ट को 20% से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाकी पॉलिसी क्या है, विद प्रोपोर्शनल डेप्रिसिएशन फॉर आइटम्स परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग अ ईयर, प्रोपोर्शनल मींस मंथली बेसिस पे चार्ज करेंगे आप, ठीक है। अच्छा, कंपनी प्लांट एंड मशीनरी कॉस्ट अकाउंट आपको दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें देखिए ओपनिंग बैलेंस है अक्टूबर 1 2 लाख, फिर अप्रैल 1 एडिशन मींस परचेज, न्यू मशीन परचेज की 50,000 की, और फिर जून 30 ट्रांसफर टू डिस्पोजल, एक मशीन हमने डिस्पोज कर दी, और ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस रह गया 2,10,000, ठीक है। तो ये अक्टूबर 1 से लेके 30 सितंबर तक का अकाउंट बना हुआ है 1 ईयर का। अब हमें 1 ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट लॉस ऑन डिस्पोजल, सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालना है। क्या कैलकुलेशन होगी आपके ख्याल में, 2 लेंगे फिर बस खत्म, फॉर द ईयर निकालना है, पूरे ईयर का सितंबर तक का फाइनल, ठीक है।
अब देखिए इसमें पॉलिसी क्या है, प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट मींस होता है मंथली बेसिस, जितने मंथ्स एसेट यूज करेंगे उतने ही मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। होगा, ठीक। तो इसमें अब हम चलेंगे डेट वाइज, अब इसमें हम चलेंगे डेट वाइज। देखिए पहले क्या है, ये 2002 अक्टूबर 1, इसके नीचे डेट आ रही है अप्रैल, ये 2003 अप्रैल, और फिर 2003 का जून है, और फिर सितंबर 30 है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में चलना, अक्टूबर अप्रैल फिर जून और सितंबर, ठीक। तो देखिए स्टार्टिंग कर लेते हैं इस अक्टूबर से। अक्टूबर फर्स्ट पे बैलेंस कितना है हमारा, 2 लाख, क्वेश्चन नंबर 12 है ना। इसको हम चलते हैं अक्टूबर 1, अक्टूबर 1 पे मशीन अकाउंट का बैलेंस है 2 लाख, ठीक है। अच्छा ये स्टार्ट पे 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी है। अच्छा तो कब तक हमने 2 लाख की प्लांट एंड मशीनरी यूज की, और देखिए चेंज कब आ रहा है, हाँ 1 अप्रैल में एडिशन है, तो इट मींस 31 मार्च तक हमने 2 लाख की मशीनरी यूज की है, तो डेप्रिसिएशन भी 2 लाख पे चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ डेट लिखते हैं अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31, 6 महीने 6 मंथ हो गए। अच्छा तो 6 2 लाख पे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, ठीक है। अब रेट कितना था, 20% ना, 2 लाख × 20%, और ये कितने मंथ्स हुए, 6 6 upon 12, ये 1st 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 20,000, ठीक है। सब चेंज कब आ रहे हैं, अब क्या हुआ, 1 अप्रैल को न्यू मशीन हमने बाय की ना, एडिशन हो रहा है, न्यू मशीन बाय की, डेट लिखते हैं अप्रैल 1। अब एसेट्स कितने हो गए टोटल, 2 लाख 50,000 हो गए, ठीक ठीक है। अच्छा अब इसका 20%, सही है। ये बताएंगे नेक्स्ट चेंज कब आ रहा है, 30 जून को हम 40,000 की मशीन डिस्पोज कर रहे हैं, इट मींस अप्रैल मई जून 3 मंथ्स हमने 2 लाख 50,000 की प्लांट एंड मशीनरी यूज की, तो डेप्रिसिएशन भी 3 मंथ्स का चार्ज होगा ना, ठीक है। अब आप लिखेंगे 3 upon 12 कितना आ रहा है, 12,500, सही आ रहा है, 12,500। एक मिनट रुको बता रहा हूँ, ये लिखा है अप्रैल से लेकर, हाँ ठीक है, अप्रैल से जून 30 तक, ठीक है, 3 मंथ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ देखिए मेथड में, 20% पर ईयर ऑन कॉस्ट है, इसलिए 20 माइनस हो रही होगा, बुक वैल्यू नहीं लिखा हुआ। अब क्या हुआ जी, जून 30 आ गया, जिसके बाद जुलाई 1। अब जुलाई 1 पे प्लांट एंड मशीनरी कितनी रह जाएगी हमारे पास, अब ये टोटल 2 लाख 50 थे, 40,000 की प्लांट हमने डिस्पोज किया, तो 2 लाख 10,000, तो 1 जुलाई पे प्लांट एंड मशीनरी रह जाएंगे 2 लाख 10,000 के, इसका 20% लेंगे। और अब ईयर एंड कब हो रहा है, 30 सितंबर, यहाँ लिखते हैं जुलाई से लेकर 30 सितंबर, कितने मंथ हुए, 3 महीने, तो हो जाएगा × 3/12, जीरो तो ये 10,500, 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया, तो 1 ईयर कंप्लीट हो गया, देखिए ये 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आया 20,000, 3 मंथ्स का 12,500, तो लास्ट 3 मंथ्स का 10,500, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, ये हमारा 1 ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 43,000, 43,000 वन ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, क्लियर। तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। सर हाँ ये लगा 7.0, यस अच्छा जी, इसमें आप देखें राइट, देखते हैं स्टार्ट करते सेवन हैं, जीरो हाँ वो नहीं आएगा। जो स्टार्ट इसके डेट है जुलाई 1, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख 40,000, जुलाई 1, 2 लाख 40,000 × 20%,
अब देखिए इसमें चेंज कब आ रहा है, इसके नीचे 2004 है जनवरी 1 परचेज, लेकिन क्रेडिट साइड पे लिखा है 2003 सितंबर, तो सितंबर 3 पहले आता है जनवरी 4 बाद में, तो पहले डिस्पोजल हो रहे हैं 30 सितंबर को, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त सितंबर तो ये हो गए 3 मंथ्स, सितंबर 30 ये 3 मंथ्स, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 अपॉन 12 से, ये फर्स्ट 3 मंथ का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा 12,000। नेक्स्ट फिर है, अच्छा सितंबर में डिस्पोजल है तो आप अक्टूबर से स्टार्ट देंगे, अक्टूबर 1st, अच्छा 2,40,000 का ओपनिंग बैलेंस था, सितंबर 30 पे 60,000 का एसेट डिस्पोज हुआ, एसेट्स रह गए हमारे पास 1,80,000, 240 - 60 = 180,000, 20,000। अच्छा नेक्स्ट चेंज कब आ रहे हैं, जनवरी 1st को प्लांट परचेज किया है, इट मींस के अक्टूबर से लेकर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 31 दिसंबर यानी कि 3 मंथ्स हमने 1,80,000 के प्लांट एंड मशीनरी यूज की, 9,000 ठीक है। नेक्स्ट 3 मंथ आ गया, अच्छा इसके बाद फिर जनवरी 1st पे न्यू प्लांट परचेज किया तो जनवरी 1, अब 1,80,000 में 1,60,000 ऐड करेंगे, कितना बन रहा है 3,40,000, इसका 20% और अब ईयर एंड कब हो रहा है इसका, जून 30, जनवरी से जून 30 जून 30 कितने मंथ्स हो गए, 6 मंथ्स, मल्टीप्लाई करते हैं 6 अपॉन 12 से कितना आ रहे हैं 34,000 तीनों गाइड कर लेते हैं, टोटल बनेगा 55,000 ठीक है, 55,000 आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा, यस क्लियर, ऑप्शन डी, तो राइट सर नहीं पढ़ना है, ओके सर आपने बोला था, लास्ट क्वेश्चन है आज का, सर इसके बाद आप लोग लगाए ना सर, ठीक है जो लास्ट है ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जब क्वेश्चन नंबर 13 इसको अच्छा 13 रीड कर लें, अच्छा इसमें एक पॉइंट है जो समझाना है, एसेट की कॉस्ट है 17,000, लाइफ 5 ईयर है, स्क्रैप वैल्यू 2,000 है, अच्छा फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है सबको, ठीक है दो मेथड्स हैं, स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग, अच्छा स्ट्रेट लाइन में तो हर साल का डेप्रिसिएशन सेम रहता है, इसमें एक पॉइंट है जो समझाना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या हो गया, अच्छा जी स्ट्रेट लाइन मेथड कॉस्ट कितनी है 17,000, स्क्रैप वैल्यू 2,000, लाइफ 5 ईयर, माइनस 2,000 डिवाइडेड बाय 5, 3,000 पर ईयर आ जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, स्ट्रेट लाइन में तो एक बार कैलकुलेट करेंगे वही हर साल चार्ज होता रहेगा, स्ट्रेट लाइन में 3,000 ही आएगा, हां तो हर रिड्यूसिंग अब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अच्छा इसमें ईयर वाइज कैलकुलेट करना होगा हमें, तो ईयर वन अच्छा जी अब रिड्यूसिंग क्या होगा, कॉस्ट है 17, एक्युमुलेटेड जीरो और 35% 5,900
सर यू नीड रेस्ट. अच्छा इसको राउंड ऑफ करते जाएंगे हम, ठीक है. अच्छा जी, अब ईयर टू में कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड 5950 कितना आ रहा है? 3877 ये बस राउंड ऑफ. अब कॉस्ट एक्युमुलेटेड बताएंगे कितना होगा? 2 साल का एक्युमुलेटेड 9800. कैलकुलेट कर रहे हैं बबलू, क्या कर रहे हैं? हो गया ना सर, सही निकाल लिया मैंने. 9818 एक्युमुलेटेड बताएं क्या बन? 9818 इस पे बात करेंगे. 3868 9818 ठीक है. 35% आंसर बताएं. 251 ठीक है. सर 0.7 ईयर 4 accumulated 1232 35% 16.8 मैं भी घर जा ही नहीं रहा. और क्लास लेनी है सर आप? हाँ जी, आंसर बताएं. 1633 4 कर देते हैं. 1633 नहीं आया, 34 आएगा. अच्छा ईयर 5 चलो बताओ. 12332 accumulated 13967 कर दें. चलें जी 66 क्या जानबूझ के कर रहे हैं? अब बताएं आंसर. 10 ठीक है. देखिए जब तक जो हमने पढ़ा उसके मुताबिक तो यही कैलकुलेशन होगी. और फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1062 और ये गलत किया. चलो बस सर भर दूंगा और मैं आपका सर भर दूंगा. आप समझ लें इसमें गलती क्या है. देखिए अभी हमने देखिए यहाँ पे एक एसेट है, दो मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे हैं ना. तो स्ट्रेट लाइन में 3000 पर ईयर आ रहे हैं. 5 ईयर का एक्युमुलेटेड कितना बनेगा? 15000. अच्छा तो रिड्यूसिंग में भी एक्युमुलेटेड 15000 बनना चाहिए ना. और इसका सम आ रहा है 15028 ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है. अच्छा तो देखिए एक एसेट है, दो मेथड से डेप्रिशिएट कर रहे हैं. दोनों मेथड्स का एक्युमुलेटेड सेम होना चाहिए, ठीक है. लेकिन रिड्यूसिंग में सेम आंसर नहीं आता, इसमें ये प्रॉब्लम है मेथड की, ठीक है. तो इसमें हम क्या करते हैं फिर, जब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे ना, तो इसमें हम फॉर्मूला चेंज कर देते हैं. रिड्यूसिंग में जब लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा तो फॉर्मूला लास्ट ईयर ऑफ लाइफ, ठीक है. इसमें क्या होगा फॉर्मूला? फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है. ठीक है, लास्ट ईयर ऑफ लाइफ इसमें क्या होगा? फॉर्मूला चेंज होगा. अब फॉर्मूला क्या यूज होगा अब ये समझ लेते हैं. ये इसमें नया पॉइंट है. अब क्या लिखेंगे? कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अब मल्टीप्लाई करते हैं परसेंटेज से ना, कि ना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बल्कि इसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस हो जाएगी. अब ठीक है, लास्ट ईयर ऑफ लाइफ में फॉर्मूला चेंज होगा.
और परसेंटेज से मल्टीप्लाई करने के बजाय स्क्रैप वैल्यू माइनस करेंगे। अच्छा फोर इयर्स का एक्यूमुलेट बताएं कितना था, फोर इयर्स का एक्यूमुलेटेड ना। अब इसमें से माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू 2000, ये आ जाएगा 2 9 1000 कुछ आएगा, माइनस करें जल्दी करें कैलकुलेट करें। 1035 आएगा, 1000 1000 34 35 ऐसे ही हो जाएगा बस। चलो उसमें जो है 2 6 8 है सर, क्या 12 3 32 बंद दिखे आपने, क्या है इसमें 16 और 8 होंगे, क्यों होंगे मैं तो नहीं हूं, 13997 1 3 1 6 3 4 ऐड होगा सर, 13996 ये accumulated 4 year कितना 13 4306 आ रहा है 13996। हां अब कितना आएगा 10 34 आ जाएगा, ठीक है तो आप देखें इसको अगर 5 years का टोटल करते हैं तो एग्जैक्ट 15000 accumulated बनेगा इसका, ठीक है अब 15000 accumulated बनेगा, दोनों मैच हो गए, आंसर सेम, ठीक है। तब ये पॉइंट आपको याद रखना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जब भी आप लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अच्छा और एक चीज याद रखना, लास्ट ईयर ऑफ लाइफ, लास्ट ईयर ऑफ यूज नहीं, जैसे कि एसेट की लाइफ 10 ईयर है, 8 ईयर के बाद एसेट हमने डिस्पोज कर दिया, फॉर्मूला चेंज होगा या नहीं होगा। और अच्छा अगर 10th ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं तो अब चेंज होगा, ठीक है। तो लास्ट ईयर ऑफ लाइफ का डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट होगा तो फॉर्मूला चेंज करेंगे, और लास्ट ईयर ऑफ यूज में चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे 10 ईयर लाइफ है, 8 ईयर के बाद यूज करने के बाद आपने सेल कर दिया तो 8th ईयर में फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट इसमें था कि लास्ट ईयर ऑफ लाइफ में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, तो रिड्यूसिंग जी हाँ मल्टीप्लाई करने के बजाय स्क्रैप वैल्यू माइनस करते हैं, क्योंकि देखिए स्ट्रेट लाइन में हम स्क्रैप वैल्यू पहले माइनस करते हैं, तो रिड्यूसिंग में हम स्क्रैप वैल्यू लास्ट में माइनस करते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में स्क्रैप वैल्यू पहले माइनस हो रही है, रिड्यूसिंग में लास्ट में माइनस हो रही है। अच्छा जी।